वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। जस्ट अभी नहा के आई हूँ और आज किया है हेयर वॉश, तो बाल अभी बस गीले ही है, सुखाने हैं अभी बाल। तक्ष जी गए हमारे स्कूल, तो बस पूजा वूजा करके मैं जस्ट अभी फ्री हुई हूँ। तो मैंने सोचा है कि चलो अभी पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। वैसे मैंने थोड़ा बहुत खा लिया था, लेकिन फ्रूट थोड़ा सा कटा हुआ रखा है, तो खा लेते हैं, क्योंकि कहते हैं ना ज्यादा देर फ्रूट कटा हुआ नहीं रखना चाहिए वरना खराब हो जाता है। इसलिए तो मैं अभी फ्रूट खा लेती हूँ, आपसे बात करती रहती हूँ और आप लोग बताइए कैसे हैं आप लोग। तो आज ये काट के रखा हुआ है, क्या कहते हैं इसको, मस्क मेलन, क्या मस्क मेलन तो होता है लेकिन तरबूज, एक खरबूज होता है, तरबूज नहीं, ये खरबूज है शायद, मुझे नाम नहीं पता जो भी है तो हाँ, तरबूज ही, ये खरबूज ही है। तरबूज तो रेड वाला होता है ना, जैसे वाटरमेलन जो होता है उसको कहते हैं, तो ये खरबूज है, पता नहीं जो भी कहते हो खा लेते हैं। बहुत मीठा है, मैंने एक बाइट लेके देखा था मॉर्निंग में, तक्ष को दिया ना टिफिन में पैक करके, तो मैंने एक बाइट, इतना अंधेरा आ रहा है, हाँ मैंने अरे बड़ी अजीब सी लाइट आ रही है यहाँ पे, मॉर्निंग में तक्ष को दिया था तो मैंने एक टेस्ट किया था, बड़ा ही मीठा था। बहुत गर्मी है यहाँ पे, बहुत ज्यादा, मैं फैन चला लेती हूँ पहले। और आप लोग बताइए कैसे हैं। मैंने कहा चलो आपसे बात भी होती रहेगी और खाते भी रहेंगे। आज काम थोड़ा सा डिले हो गया, मतलब लगभग 11 बज गए हैं, इसलिए तो फैन चलाया तो बाल उड़ रहे हैं, अभी सूख जाएंगे आराम से। बहुत मीठा है, इस टाइम पे ना ये सब चीजें खा लेनी चाहिए, क्योंकि फिर सर्दियों में ना इन्हीं सब चीजों के लिए तरसते हैं। पहले तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब मैं बहुत पसंद करती हूँ ये सब चीजें, जैसे तरबूज और खरबूज होता है ना, वाटरमेलन, मार्शमेलन। पहले अच्छा नहीं लगता था, पहले चलो क्या कहते हैं बनाना खा लो, मैंगो खा लो, लेकिन ये सब चीजें बहुत अच्छी और हेल्दी होती है, इसलिए तो खाएंगे। चलिए खाती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ थोड़ी देर में। आज खाना भी नहीं बना, खाना बनाना है और फिर तक्ष को लेने जाएंगे। तक्ष को लेके आने में तो अभी टाइम है, तो सबसे पहले बनाएंगे खाना, खाना बनाने के बाद फिर कुछ काम किया जाएगा। खाना आज एक्चुअली मैंने सुबह बनाया था ब्रेकफास्ट में, मैंने पनीर की सब्जी बनाई थी, बहुत थोड़ी सी बनाई थी, इतनी जल्दी में थी ना, क्योंकि तक्ष की ना बस जल्दी आ जाती है, तो फिर मैंने कहा ग्रेवी वाली बनाने में बहुत टाइम लगेंगे, तो एक भुजिया टाइप की नहीं होती पनीर की, मैंने वही बना लिया था और पराठा तक्ष को दे दिया था, तक्ष के पापा को भी यही लंच में पैक करके दिया। अब क्या करूँगी, आराम से आज अभी दाल चावल बनाऊंगी और फिर आराम से खाया जाएगा। आज शाम को मेरे को डॉक्टर के पास भी जाना है, तो इसलिए दाल थोड़ी ज़्यादा बना लूँगी ताकि रात को सिर्फ सब्जी बनानी पड़े, इसलिए बाल कितने उड़ रहे हैं, फैन चल रहा है ना, तो इसलिए चलिए फिर मैं खाती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। तो अभी आ गए हैं किचन में, और तो सबसे पहले मैं बना लेती हूँ दाल घिया चने की, क्योंकि तक्ष को फिर लाने का टाइम हो जाएगा, उससे पहले खाना बना के रख देते हैं। आपको बताया था ना सुबह मैंने इसे ब्रेकफास्ट बनाया था, तो अभी मैं लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। तो सब्जी उब्जी काट दिए हैं मैंने और कुकर भी चढ़ा दिया है, तो बस अब खाना बनाना शुरू करते हैं, बस उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। क्या होता है ना, बच्चे घर पे नहीं होते तो ईजिली आराम से खाना बन जाता है, बच्चे परेशान भी नहीं करते और आराम से अपना सब काम होता रहता है। तो वही चॉपिंग, हरी मिर्च वगैरह जो भी, ये सब टमाटर वगैरह मैं काट के चढ़ा दूँगी फटाफट से, क्योंकि आज शाम को मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी दाल ज़्यादा बना लेनी है ताकि रात को आके सिर्फ सब्जी बनानी पड़े मेरे को, और पता नहीं है कि कितना टाइम वहाँ लगेगा मुझे, इसलिए क्योंकि 8 बजे की तो मैंने अपॉइंटमेंट ही ली है डॉक्टर से, और फिर उसके बाद कई बार हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाते हैं, तो देखते हैं लेट्स सी कि क्या होता है। तो फिर अभी तो बस काम अपना निपटा लूँ। देखिए साइड में टोकरी में बर्तन देख रही हूँ, इतने सारे बर्तन पड़े हैं, सब धोने हैं,
और हाँ गाइज, मुझे आपसे एक बात और करनी थी। आप लोगों ने मुझे देखा है मैं किस तरह के ब्लॉग बनाती हूँ, फिर भी यहाँ आके क्या मतलब बनता है बकवास करने का कि आप नाइटी पहन के ब्लॉग बनाओ, ये पहन के आप डिसाइड करोगे कि क्या पहन के ब्लॉग बनाए। हाँ तो ये तो मतलब एकदम ही बेहुदा वाली बातें आप यहाँ आके कृपया करके ना किया कीजिए। इस बात को मैं बार बार बोल चुकी हूँ आपसे, आपको ब्लॉग देखना है तो देखिए, नहीं देखना है तो मत देखिए, लेकिन इस तरह की बेहुदा बातें मत किया कीजिए। चलिए छोड़िए ये सब बात, कुछ लोगों की तो आदत ही होती है कि YouTube पे आके शेयर बनते हैं, तो उनसे तो वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। घी और चने की दाल की सब्जी और कोई थी नहीं, मैंने कहा चलो घिया बना लेते हैं, तो फटाफट से बना देती हूँ सब्जी। इसके संग चावल बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसके संग खाए जाएंगे चावल और फिर शाम को देखा जाएगा। अच्छा आपकू भी खराब हो गया मेरा, तो मैंने अभी प्याज और हरी मिर्च उसमें डाल दिया है। अब डालने जा रही हूँ मैं टमाटर काट के, पता नहीं चाकू की धार लगवानी पड़ेगी, चाकू की धार खराब हो गई है। आज ना मैं बहुत दिनों बाद मतलब ये वाली घिया चने की दाल बना रही हूँ, बहुत काफ़ी टाइम हो गया। पहले तो हर दूसरे दिन बना लेती थी, मुझे याद भी नहीं है सोची कि मतलब कितने टाइम पहले मैंने बनाया था। उसके बाद अभी बन रहा है, इसका मतलब बहुत अच्छा खासा लंबा टाइम हो चुका है। हेयर वॉश भी किए थे, बस एक रबर बैंड में लगा के आ गई हूँ, क्योंकि ना फिर खाना बनाओ ना तो थोड़े बाल चिपचिपे हो जाते हैं, गंदे बहुत जल्दी हो जाते हैं बाल, तो इसलिए अभी मैंने क्या किया है कि मैं बीच बीच में ना अपनी चिमनी ऑन कर देती हूँ। आपने देखा है वो बहुत आवाज़ करती है, इसलिए मेरे को बाद में वॉइस ओवर करना पड़ता है। जब आपसे ऐसी कुछ बात करनी होती है तो मैं चिमनी बंद कर देती हूँ अपनी, तो बस आपसे बात करते करते मेरी दाल भी बन गई है। दाल डाल देती हूँ, पानी डाल के अब इसमें सीटी लगेगी, इसको फिर ट्रांसफ़र करेंगे एक बाउल में, उसके बाद इसी कुकर में बनाएंगे दोबारा से चावल। तो इसलिए थोड़ा मैंने जल्दी खाना चढ़ा दिया ताकि टाइम अच्छा खासा मिल जाए इसको भी ठंडा होने में और थोड़ा भाप में पकने में। इसलिए तो चलिए आपसे रूम में चलती हूँ, फिर बात करती हूँ। सो गाइस, अभी बन गई है सब्जी, मतलब बनी नहीं है, सब्जी चढ़ा दी है मैंने, घिया चने की दाल बनाई है आज, तो वो बन रही। बाल कैसे हो रहे हैं मेरे, बाल धोए थे मैंने ऐसे फोल्ड कर लिए, क्या होता है ना किचन में फिर धुआं लगता है तो बाल मतलब ऑयली ऑयली हो जाते हैं, इसलिए तो अभी बन जाए तो उसको खाली ट्रांसफ़र करके एक ही कुकर में दोबारा से चावल बनेंगे, तो उसमें बनाऊंगी चावल। चावल मैम टाइम है क्योंकि गरम गरम खाएंगे तभी बनाएंगे। तो अभी मैंने क्या किया ना, तो बस सब्जी चढ़ा दी है, सब तो चला दिया टीवी सामने, मैं देखूंगी पहले टीवी कौन कौन देखता है। रोडीज मेरे को बहुत पसंद आता है, MTV पे आता है, मेरा फेवरेट शो है, तो मैं ज़रूर देखती हूँ और वो रिपीट में चलता रहता है ना, तो मैं रिपीट को मैं उसको देखती रहती हूँ। आज तो पुराना ही आएगा, अभी तो इस टाइम तो पुराना ही आता है, तो वो देखूंगी। और आज वैसे बहुत सारे कपड़े मेरे पास ऐसे सिलने वाले हैं, मैंने सिले नहीं है, उसको भी सिलना है मुझे, उसको सिलती हूँ। बन जाए खाना फिर चलो फिर देखते हैं अभी क्या करते हैं। तो मैं आ गई हूँ अभी नीचे तक्ष जी को ले जा लेने के लिए, 2 बज गए हैं, उसकी छुट्टी का टाइम हो जाता है, तो गेट तक जाऊँगी धीरे धीरे जब तक बस आ जाएगी। मैंने कहा चलो तो चलते हैं आराम आराम से, बाहर धूप भी बहुत है, आज अम्ब्रेला ले लिया साथ में क्योंकि उसको थोड़ी धूप लग जाती है ना। स्टैंड के पास तक जाना है तो पार्किंग के रास्ते जाने, देखिए पार्किंग खाली है, दोपहर का टाइम है ना, इसलिए तो मिल भागते हैं फटाफट से, फिर आपसे मिलते हैं जल्दी से। स्कूल से आके तक्ष जी अपने हैंड वॉश कर रहे हैं। हाँ बोलो। जब भी मैं साबुन लगाता हूँ तो ये मिटता क्यों नहीं है? बिट जाएगा बेटा धीरे धीरे। तो आए हैं जैसे कि मिटता नहीं, मिटता तो मैं पानी से नहीं, गलत बात। तो ये आए हैं अभी हम लोग बाहर से हैंड वॉश कर रहे हैं, कपड़े चेंज करेंगे फिर खाना खाएंगे दोनों। घूम के आया हूँ। घूम के आए हो? हाँ ये तो सही कह रहे, बस में तो इनका घूमना हो जाता है, मजा आता है इनको। चलिए मैं इसको कुछ खिला दूँ फिर आपसे बात करती हूँ।
हाँ तो मैम एक मिलती लॉन्ग वाली एक शॉर्ट लॉन्ग। वाली है ना। चलो ठीक है, आप रेडी हो जाओ। सो गाइस अभी आ चुकी हूँ और अभी मैं लेटी हूँ। 9:30 बजे हम लोग पहुँचे आज डॉक्टर के वहाँ से। खाना भी नहीं खाया अभी, खाएंगे फिर उसके बाद फिर सोते हैं। चलिए मैं इस ब्लॉग का एंड कर देती हूँ, वरना ये ब्लॉग फिर रह जाएगा अधूरा ब्लॉग, फिर उसका एंड ही नहीं समझ नहीं आता। इसलिए चलिए फिर मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।